नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के दोस्तों 3 जुलाई के करंट अफेयर्स में। उम्मीद करूंगा कि पिछले हफ्ते जो आपके लिए वीकली सेशन लिया था और हर रोज सेशन में ले रहा हूं, वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने सजेशंस भी जरूर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि इनमें से दोस्तों रिसेंटली ही दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल, जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा हो दुनिया में दोस्तों, सबसे ज्यादा 3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कौन सी बनी है। भाई ये सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है आज तक किसी भी कंपनी की, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट या एप्पल। और दोस्तों आपको पता है अमेजोन जो है ये जेफ बेजोस की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो है बिल गेट्स की कंपनी है। इसके अलावा जो अल्फाबेट है दोस्तों, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। और एप्पल जो आपको पता है दोस्तों, जिसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स और अभी टिम कुक जिसके सीईओ हैं। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है यहाँ पर डी ऑप्शन है, ना कि ए। तो दोस्तों जो एप्पल के ये आपको सीईओ देख रहे हैं टिम कुक, और ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन। अब 3 ट्रिलियन होता कितना है अगर हम बात करें तो दोस्तों, 1 ट्रिलियन का मतलब है लगभग लगभग, अगर हम दोस्तों देखें, 1 ट्रिलियन में 100 बिलियन होते हैं। तो ये $300 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन जो है इसकी बन रही है। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है कि भाई रिसेंटली ही बड़ा ही मशहूर लिटरेचर प्राइज है पेन पिंटर प्राइज 2023, ये किसको जो है रिसेंटली मिला है। और लिटरेचर में अगर देखें बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है दोस्तों, और ये रिसेंटली ही माइकल रोजन साहब को जो है मिला है। ये आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप बात करें एग्जाम पर्पज से, कौन कौन से एग्जाम आपके लिए जो कौन कौन से अवार्ड लिटरेचर से इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इनमें जो है अगर आप बात करेंगे मैन बुकर प्राइज, आजकल इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज आता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की, और अगर हम भारत में बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है कि जैसे भाई भारत की तरफ से जिस जिसने लिटरेचर, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको भी गीतांजलि के लिए मिला था, या फिर हमारे मैन बुकर प्राइज विनर्स हैं बड़े सारे, जिसमें आप अरुंधति रॉय की बात कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप अमिताभ घोष की बात कर सकते हैं, और कई सारे राइटर हैं, सलमान रश्दी साहब हैं, और भाई इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनकी किताबें, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों मनमोहन सिंह, या फिर पौर कोई गवर्नर है आरबीआई का, तो इन सभी की जो बुक्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा महत्वपूर्ण रहती हैं। फिर तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली दुनिया की पहली दोस्तों फ्लाइंग कार, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का जो मॉडल ए है वो अप्रूव्ड कर दिया है। मैं आपको भी कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है साउथ कोरिया, जापान, यूएसए और फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो यूएसए है। और यहाँ पर आप इस दोस्तों गाड़ी की तस्वीरें भी देख सकते हैं, लेकिन अभी ये इसका मॉडल ए ही अप्रूव्ड हुआ है। आने वाले दिनों में देखेंगे दोस्तों की पब्लिक डीलिंग में कितनी जो है ये जो गाड़ियां हैं वो कारगर जो है वो साबित होती हैं। और यहाँ पर भाई जो है थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम जो आ रही है हमारी, हाँ जी, तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी भाई दोस्तों हमारी लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन चलिए जो है थोड़ा सा लाइटिंग गिर गई थी, लेकिन इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो कंटिन्यू दोस्तों जो है फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, वेयर हैज द नेवी ऑफ इंडिया, अब नेवी ऑफ इंडिया की बात करिए और फ्रांस की, इन्होंने INFN जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है रिसेंटली कंडक्ट की है, तो पंजी, कोलकाता, गोवा या कोची। तो दोस्तों सबसे पहले इसके उत्तर की तरफ देखें तो सही उत्तर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और अब तो आपको ये भी जरूर पता लग गया होगा दोस्तों, जब मैं बात करता हूं विशाखापट्टनम की, ये आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल भी है। मुझे लगता है भाई गर्मी इतनी ज्यादा है और लैपटॉप पे जो है थोड़ा पसीना लग गया मेरा हाथों का, और उस वजह से अब लिखा भी नहीं जा रहा। हाँ जी, अभी लिखा गया। तो ये आंध्र प्रदेश की जो है ये कैपिटल है, और यहाँ पर जो है ये कनेक्ट की गई INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप। और अगर मैं भारत और फ्रांस की बात करूं तो दोस्तों ऑलरेडी बड़े अच्छे डिफेंस पार्टनर हैं। और जो है बात करें भारतीय नेवी की, दोस्तों हर साल हम 4 दिसंबर को नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं, और 1971 की जंग से जुड़ा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डे है। फिर आज का जो पांचवा जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन से शहर में भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट जो है लॉन्च किया गया। दोस्तों पुलिस ड्रोन यूनिट से भाव है कि भाई इस ड्रोन यूनिट से शहर में दोस्तों आप ड्रोन से अपनी जो व्यवस्था है, जो आप
ये जो कानून व्यवस्था है उसको बेटर करने के पर्पज से जो है इन ड्रोन्स का यूज किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों चेन्नई है, मतलब तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई में ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे जो है इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। नई नई दोस्तों टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है ताकि हम पुलिस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बेटर कर पाए। जैसे अगर आप चंडीगढ़ की बात करें, वहां पर भी अब आपको पता है सीसीटीवी कैमरा, उससे काफी ज्यादा जो है ट्रैफिकिंग की समस्याएं सुलझी हैं। और उसको देखते हुए अभी मैं देख रहा हूँ मोहाली और कई और शहरों में भी उत्तर भारत में पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरा सेटअप कर रही है। अब यहाँ पर ड्रोन यूनिट है लगाया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था को और बेटर किया जा सके। और फिर दोस्तों छठा क्वेश्चन है वो है कि ट्रेडिशनल सॉयल फेस्टिवल छिकाल कालो जो है यहाँ पर किस जो है राज्य में दोस्तों इसको लागू किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो गोवा है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों बड़ा ही 150 साल पुराना ये ट्रेडिशन है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है और गोवा में हर साल जो है इस टाइम पीरियड में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो प्रमोद सावंत साहब हैं। और गोवा ऐसा भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त हो रहा है। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।